Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Now students, I am going to start chapter number 8, analysis of time series, or lecture number 1 hai. To students, हमारे पास data set given होगा according to time, और according to time data set के हम लोग जो है वो analyze करेंगे अपने data set को according to equal time periods के according, और इसमें हम लोग different techniques जो है methodologies जो है उनको learn करेंगे और then फिर उसको apply करेंगे अपने data set के ऊपर और उसको analyze करेंगे अपने time series data को. तो students, आपने मेरे channel को subscribe करना है और अपना feedback जरूर दें. तो let's start the chapter 8 analysis of time series. The contents of this lectures are first part ke students mein briefly explain karunga time series and analysis of time series ko. Second point jo hai wo mera components of time series hoga jisko mein briefly explain karunga time series ke components ko. Aur third point jo hai wo explain karunga mathematical models ko about time series. First of all students, I will explain the brief introduction about the time series and analysis of time series. Now students, first of all I will explain the two terms time series and analysis of time series. So first of all I will explain the time series. There are four important bases for classification of data, namely quantitative, qualitative, geographical and chronological. Already students, I will discuss four important bases of time of data. First one is the quantitative, qualitative, और थर्ड वन जियोग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल. तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा सेट जो है वो गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है डेटा सेट को हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं और उसके अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और डिफरेंट जो है वो हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो है इसको फाइंड करते हैं अपने रिजल्ट को. तो टाइम सीरीज डेटा में हमारे पास जो है वो डेटा गिवन होगा ऑन द क्रोनोलॉजिकल बेस. इन द क्लासिफिकेशन ऑन क्रोनोलॉजिकल बेस एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड इज कॉल्ड आर टाइम सीरीज. तो हमारे पास अगर डेटा जो है वो गिवन होगा, डेटा अरेंज किया गया होगा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स, यानी इक्वल टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग डेटा हमें गिवन होगा. वो हमारे पास इक्वल टाइम पीरियड्स जो है वो आपके पास डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपके पास डेटा जो है गिवन हो सकता है, ईयरली बेसिस पे भी आपके पास किसी भी कमोडिटी का, किसी भी जो वेरिएबल का डेटा जो है वो आपको गिवन हो सकता है और उसको आपने अरेंज किया होगा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा कहलाएगा डेट इज द कॉल्ड टाइम सीरीज. एनुअल, फॉर एग्जाम्पल, एनुअल यील्ड ऑफ अ क्रॉप इन पाकिस्तान फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज. तो आपके पास ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर जो है वो आपके पास अगर किसी भी क्रॉप की यील्ड जो है, एनुअल यील्ड जो है वो गिवन है, तो वो आपके पास जो है वो टाइम सीरीज डेटा होगा. तो कोई भी डेटा सेट जो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो गिवन होगा, वो आपका इंक्लूड होगा टाइम सीरीज डेटा. एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, दैट इज द सेकेंड टर्म. इसमें हम लोग जो है वो एनालाइज करेंगे टाइम सीरीज डेटा को. तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग, मायरिंग एंड आइसोलेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज को और उनको जो है वो आप लोग अलग-अलग जब उसको मायर करेंगे और उसको अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे और आइसोलेट करेंगे, तो वो आपके पास जो है इंक्लूड होगा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के अंदर. तो ये आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स थीं, what is the time series and what is the analysis of time series. So time series data jo hai wo aapke paas equal time periods ke according data set given hoga, usko arrange kiya kya hoga according to time, aur analysis of time series mein hum log jo hai wo aapke paas different jo components of time series hain unko jo hai wo isolate karenge, describe karenge aur measure karenge aur unko alag alag jo hai wo explain karke analyze karenge. This is called the analysis of time series. In the analysis of time series, first of all students, I will discuss the components of time series. There are the four important components of time series. Or students, components of time series को divide किया है long term variations के अंदर और short term variations में. Long term में students include होंगे first two components, which is first one is the secular trend और second one is the cyclical variations. और short term में include होंगे seasonal variations and irregular variations. और students, secular trend जो है वो आपके पास long term variations है और इसको हम denote करेंगे यहाँ पे T से. और सेकंड आपके पास जो लॉन्ग टर्म वेरिएशंस हैं वो आपके पास साइक्लिकल वेरिएशंस हैं और इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से, कैपिटल सी से. और थर्ड जो है वो आपके पास सीजनल वेरिएशंस हैं और सीजनल वेरिएशंस को इंक्लूड करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म वेरिएशंस में और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एस, कैपिटल एस से. और फोर्थ वन इज द इररेगुलर वेरिएशंस, इररेगुलर वेरिएशंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रैंडम वेरिएशंस, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से. तो ये आपके पास दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज टी, सी, एस एंड आई. टी एंड सी जो हैं वो आपके पास लॉन्ग टर्म वेरिएशंस होंगी और एस और आई आर द शॉर्ट टर्म वेरिएशंस. तो इन तमाम का अफेक्ट जो है वो आपके पास इंक्लूड होगा
वाई वैल्यूज के ऊपर, तो ये तमाम का अफेक्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो वाई वैल्यूज होंगी तो उस पर इनका तमाम का अफेक्ट शामिल होगा वाई वैल्यूज का। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी डेटा सेट गिवन होगा यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा जो गिवन होगा, जो भी जिस भी वेरिएबल्स का डेटा हमारे पास गिवन होगा, जिस भी करेक्टरिस्टिक्स का डेटा होगा, वो आपको उसको डिनोट करेंगे हम वाई से, और अकॉर्डिंग टू टाइम जब गिवन होगा तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे वाई से। नॉर्मली हम लोग जो है अपने वेरिएबल्स का डेटा को एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम सीरीज डेटा को हम डिनोट करेंगे वाई से। लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे जो कि आपके पास आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स उनमें जो है वो आपके पास चेंज आ रहा होता है, लेकिन ये कि आपके पास शॉर्ट टर्म वेरिएशंस में जो है वो आपके पास विद इन 6 मंथ विद इन 3 मंथ्स विद इन विद इन अ ईयर जो है वो आपके पास वेरिएबल के अंदर जो है वो चेंज आ रहा होता है, उसमें आप लोग जो है उसे उन वेरिएबल्स को हम इंक्लूड करते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएशंस के अंदर। और इरेगुलर वेरिएशंस जो है क्योंकि रैंडम वेरिएशंस होती हैं, और रैंडम वेरिएशंस जो है वो अचानक से जो है वो सडन जो है वो आपके पास एकदम से आपके पास वेरिएबल में चेंज आ जाता है। और इरेगुलर वेरिएशंस में इंक्लूड होता है आपके पास यहाँ पे फ्लड्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह और कोई स्ट्राइक्स वगैरह, जिसकी वजह से आपके वेरिएबल्स का जो आपका पैटर्न है वो आपका एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज TCS आई स्टूडेंट्स, आपने इनको याद रखना है। तो देर आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशंस, सीजनल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज द मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस। मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स के मॉडल्स हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में। फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मीन्स दैट एनी ऑब्जर्वेशंस वाई ऑफ अ टाइम सीरीज इज द प्रोडक्ट ऑफ द अफेक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो आपके पास यहाँ पे जो वाई वैल्यूज होंगी ऑफ टाइम सीरीज डेटा की, और उन पे आपका जो अफेक्ट होगा 4 कंपोनेंट्स का, डेट इज द मल्टीप्लिकेटिव अफेक्ट, और वो आपके पास तमाम जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव अफेक्ट जो है वाई वैल्यूज पर होगा। सेकुलर ट्रेंड आपके पास टी, साइक्लिकल सी, सीजनल वेरिएशंस एस एंड इरेगुलर वेरिएशंस आई। तो सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स आप इसको राइट कर सकते हैं वाई वैल्यूज का अफेक्ट जो है वो आपके पास टी सी एस आई के प्रोडक्ट के बराबर है। इनमें तमाम अफेक्ट शामिल होंगे। अब इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है किस चीज़ का अफेक्ट जो है वो उसमें ज़्यादा है और किसका अफेक्ट कम है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी यील्ड की क्रॉप को अगर आप देख रहे हैं, तो क्रॉप की यील्ड को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ पे उसका पैटर्न जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ ईयर जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म वेरिएशन का अफेक्ट जो है उसमें ज़्यादा होगा, यानी उसमें टी का अफेक्ट और सी का अफेक्ट ज़्यादा होगा। सीजनल वेरिएशन का अफेक्ट जो है वो आपका एज कम्पेयर टू जो है वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन से कम होगा, और इरेगुलर वेरिएशंस जो है वो एनी टाइम जो है वो अकर कर सकती हैं। सेकेंड जो आपके पास स्टूडेंट्स मॉडल होगा, डेट इज़ द एडिटिव मॉडल, और एडिटिव मॉडल जो है मीन्स डेट एनी ऑब्जर्वेशंस वाई ऑफ टाइम सीरीज इज द एडिशन ऑफ द अफेक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, सेकुलर, साइक्लिकल, सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशंस। तो इनमें चारों का अफेक्ट जो है वो एडिटिव यानी ऐड होके उसका तमाम अफेक्ट जो है वो वाई वैल्यूज पर होगा जो आपके पास टाइम सीरीज डेटा गिवन होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका मैथमेटिकल मॉडल बनेगा वो डेट इज द y इक्वल टू टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई, यानी टी आपके पास लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स हैं, सी आपकी लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स हैं विच इज साइक्लिकल वेरिएशंस, और शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स जो हैं वो आपके पास सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशंस हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब आप एडिटिव मॉडल को कंसीडर कर रहे होंगे तो आपने उसको प्लस साइन के साथ इसको यूज़ करना है, और जब आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास तमाम अफेक्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपकी वाई वैल्यूज़ पर उनका अफेक्ट जा रहा होगा। तो ये आपके पास 2 टाइप्स के अफेक्ट होते हैं। तो दैन फिर हम इनको एनालाइज करते हैं कि किसका अफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, तो अलग-अलग तमाम अफेक्ट्स को हम लोग जो है वो उसको एनालाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और देन फिर हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारा पैटर्न आपका वाई वैल्यूज का किन अफेक्ट्स की वजह से आपके पास यहाँ पे ज्यादा है। तो ये आपके पास 2 टाइप्स के मॉडल्स हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल वाई इक्वल टू टी प्लस टी सी एस आई।
इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें मैंने टाइम सीरीज और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिफरेंशिएट किया, और देन फिर मैंने इसके साथ डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज को, और देन आपके साथ मैंने डिस्कस किया लास्ट में मैथमेटिकल मॉडल्स को। तो आपके पास ये फर्स्ट थ्री पॉइंट्स थे जो कि टाइम सीरीज एनालिसिस चैप्टर के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो इसको मैंने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।